मैं आप लोग के लिए आज हिंदी ग्रामर में संज्ञा लेकर आई हूँ और आज हम लोग जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं और प्रत्येक भेद की परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे आज। तो चलिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए और बढ़ते हैं हिंदी ग्रामर संज्ञा की ओर। देखिए गाइज, हम लोग पहले जान लेते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। ओके, तो देखिए, जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण और भाव का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। ओके, जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण और भाव का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। चलिए फिर हम लोग जान लेते हैं, कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ओके, तो पहले जानते हैं हम लोग व्यक्ति के नाम। व्यक्ति के नाम जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं, आप लोग कुछ भी ले सकते हैं। हम लिए राम, श्याम, रोहन, सीता, गीता आदि। ओके, फिर जान लेते हैं वस्तु का नाम। अब वस्तु का नाम में कुर्सी, टेबल, हथौड़ा, कुदाल आदि। अब फिर जान लेते हैं हम लोग स्थानों के नाम। स्थानों के नाम देखिए गाइस, जैसे दिल्ली, मुंबई, पटना, कलकत्ता आदि। ओके, गुण और भाव में आ जाएंगे, जैसे हंसना, रोना, गाना, अच्छाई, बुराई, बुढ़ापा, भलाई आदि। ओके, ये हम लोग आज जान गए अभी कि संज्ञा किसे कहते और संज्ञा के उदाहरण। अब हम लोग जानने वाले हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते। देखिए, संज्ञा के टोटल 5 भेद होते हैं। ओके, चलिए हम लोग एक एक करके जान लेते हैं। देखिए, फर्स्ट में आपका होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकंड में जातिवाचक संज्ञा, उसके थर्ड में भाववाचक संज्ञा, फोर्थ में समूहवाचक संज्ञा और फाइव में द्रव्यवाचक संज्ञा। ओके, तो चलिए संज्ञा के भेद जानने के बाद हम लोग प्रत्येक का डिफिनेशन जान लेते हैं। ओके, चलिए पहले हम लोग आ गए हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और इसका उदाहरण हम लोग लेते हैं। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से रिपीट, जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए अब इसका उदाहरण कुछ जान लेते हैं। उदाहरण आप लोग देख सकते हैं, व्यक्ति माने राम हो गया, मोहन हो गया, उसके बाद और बहुत कुछ, यहाँ पर घोड़ा होना चाहिए। ओके, फिर हिमालय, गंगा, दिल्ली आदि, हम लोग ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वाचक संज्ञा के अंतर्गत उदाहरण में आते हैं कोई व्यक्ति का नाम, कोई वस्तु का नाम। ओके, चलिए फिर हम लोग अब नेक्स्ट बढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा की ओर। देखिए गाइस, जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से समस्त जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थार्थ लेकर आप लोग दूसरा तरह भी परिभाषा दे सकते हैं, वह संज्ञा जो किसी खास व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि का बोध ना करते हुए उसे संबंधित पूरे जाति का बोध कराता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, चले फिर एक बार रिपीट करते हैं, जिस संज्ञा से समस्त जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आप लोग यहीं तक लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग इसका उदाहरण जान लेते हैं। देखिए, जैसे जातिवाचक मनुष्य ले लीजिए, मनुष्य ले सकते हैं, घोड़ा ले सकते हैं, हाथी ले सकते हैं। ओके, ये आपका जातिवाचक संज्ञा का बोध हो गया। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं अब भाववाचक संज्ञा। ओके, देखिए भाववाचक संज्ञा यानी जिस संज्ञा से गुण, दशा, क्रिया, धर्म, भाव आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से रिपीट, जिस संज्ञा से गुण, दशा, क्रिया, धर्म, भाव आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए भाववाचक संज्ञा कुछ उदाहरण ले लेते हैं। भाववाचक संज्ञा जैसे बचपन, बुढ़ापा, शोक, दुख, मोटापा। ओके, इस तरह के और बहुत कुछ होंगे, ये आपका उदाहरण है। चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं समूहवाचक संज्ञा की ओर। समूहवाचक संज्ञा का परिभाषा होंगे, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह अथवा झुंड का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते। फिर से एक बार रिपीट, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह अथवा झुंड का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, चलिए इसका उदाहरण जान लेते हैं, जो समूह में रहते हैं। ओके, जैसे मेला, मेला हो गया आपका समूह में,
फौज समूह में रहते, भीड़, बर, मधुमक्खी, ये सब आप लोग ले सकते। चलिए अब लास्ट हमारा बचा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी द्रव्य या द्रव्यों का नाम का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यह हम लोग दूसरा में लिख सकते हैं, जिसे नापा या तोला जा सकता है उसे भी द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं, जिस संज्ञा से किसी द्रव्य या द्रव्यों का बोध हो उस संज्ञा को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यह हम लोग इसे भी लिख सकते हैं, जिस संज्ञा से किसी वस्तु का नाप या तोल का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए इसका हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। देखिए उदाहरण होगा लोहा, लोहा को नापा या तोला जाता है। इसी तरह तांबा, चीनी, दूध, तेल, घी आदि ये आपका द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो गाइज हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा जान लिए हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह हम लोग ग्रामर पढ़ते रहेंगे। तो आज यहीं पर विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट, तब तक बाय।